दशहरे का पावन पर्व है और आज रावण के बारे में जानना जरूरी है ताकि बुराइयों का राज फिर से कायम ना हो। कहा जाता है कि श्रीलंका के जाफरात के गड़बड़ नगर में विशे सरदास के घर जन्मा रावण बचपन से ही बहुत खुराफाती था। खुराफाते ऐसी कि मगरमच्छ तक पकड़ कर ले आता था। बचपन में धर्मशाला में रुकने वाले फकीरों से चाय बेचते हुए उसने बकैती की शिक्षा हासिल की। कहा तो ये भी जाता है कि रावण भारत से श्रीलंका तक बने रेल मार्ग का लोहा चुराया करता था, जिसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने परेशान होकर वो रेल मार्ग ही हटा दिया, जिसके बाद कालांतर में राम जी को सेतु बनाना पड़ा। कामचोर रावण अक्सर घर से भाग जाया करता था, पर घर वाले बार बार पकड़ कर लाते और केतली थमाकर चाय बेचने भेज दिया करते थे। बताया तो ये भी जाता है कि रावण अपने बाप के गहने चुरा कर थाईलैंड भाग गया था, जिसके सदमे से रावण के बाप की मौत हो गई थी। घर वालों ने तंग आकर एक गुरुकुल की शिक्षिका मंदोदरी से रावण की शादी करवा दी, पर तरकीब काम नहीं आई और रावण एक रात अपनी बीवी को सोता छोड़कर पटाया द्वीप भाग निकला। कहा जाता है वो भागते वक्त अपने दहेज का सारा माल भी समेट कर ले गया। वहां जाकर रावण ने राक्षस सेवक संघ ज्वाइन किया और अपनी बकैती और चापलूसी के चलते जल्द ही अटलासुर और अडवाणासुर की नजरों में आ गया। रावण के सारथी के तौर पर अडवाणासुर के साथ पटाया से श्रीलंका तक रथ यात्रा निकाली और बार बार महल को ढहाकर सोने की लंका बनाने का संकल्प लिया। इससे खुश होकर उसे जाफरात, जो आजकल जाफना के नाम से जाना जाता है, का सूबेदार नियुक्त किया, जहां 13 साल तक उसने दंगादार राज किया और संपूर्ण श्रीलंका को दंगामय बनाने का संकल्प लिया। और इस काम में धन के देवता मुकेर, अडानासुर, अमितासुर और राक्षसों के गुरु योगाचार्य ने उसकी मदद की। वर्तमान में श्रीलंका पर 7 साल से रावण का राज है। मुद्रा बंदी में 500,000 के सिक्के बदलने से लेकर काले कानूनों और देश बेचने जैसी घिनौनी हरकतों के कारण देश में रावण के खिलाफ घोर असंतोष है। हर आदमी रावण को कोस रहा है। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार है। 20,000 करोड़ वाली लंका भस्म होने को तैयार है।